नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज की क्लास करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सीजीपीएससी प्री एग्जाम, साथ ही व्यापम की तैयारी करने वाले। जो लोग व्यापम पीएससी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्राओं के, उन युवाओं के लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे, जो आके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो लोग व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन युवाओं के लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ। जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे नेशनल पार्क से। ठीक है, तो सफेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में रहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सफ़ेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में रहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पिंडारी कानन, कहाँ पर है, बिलासपुर में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके व्यापम और पीएससी में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो आप सभी बताइएगा आंसर सी तमोर पिंगला। ठीक है, चलिए इसके बाद है, राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है, तो आप बताइएगा चीतल। ठीक है, चीतल, एक मिनट ना, ये आपका हो जाएगा चीतल। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कानन पंडारी यानी कि मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानन पंडारी यानी कि मिनी चिड़ियाघर की स्थापना आपका वर्ष 1975 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही आप सभी के लिए एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग व्यापम पीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं, डेली क्लासेस कराया जा रहा है। ठीक है, 20 नवंबर से प्रारंभ किया गया है। आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, पूरा एक एक चीज़ करके मैं आप सभी को डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग अभी तक चैनल को नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बादल खोल वन्य जीव जो अभ्यारण्य है किस जिले में पाया जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए आप सभी को नेशनल पार्क से क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, ये जो है अभ्यारण्य की क्लासेस चल रही है, इसमें आपका व्यापम पीएससी में कई बार एग्जाम में पूछता है। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी जो कि 12 फरवरी को उसका एग्ज़ाम है, तो देखिए यहाँ पर पीएससी प्री एग्जाम की तैयारी भी करवाई जा रही है, छत्तीसगढ़ की क्लास चल रही है और भारत का सामान्य ज्ञान यानी कि दोनों क्लासेस डेली कराया जा रहे हैं 6:30 बजे। जो लोग गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए बादल खोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका जसपुर जिला में, कौन सा, जसपुर जिला। ठीक है, अब देखिए गौमोर्ता वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है, ये आपके सीएमओ में पूछा गया है 2010 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो गौमुर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले के किस भाग में स्थित है, तो आप बताइएगा दक्षिण की ओर, दक्षिण भाग में स्थित है। कौन सा, दक्षिण भाग है, आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है, तो आप सभी को मालूम है जो टाइगर प्रोजेक्ट है एकमात्र आपका एएमपी क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या बताएंगे, ऑप्शन बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं, यानी कि सर्वाधिक बाघ, ये बांध गलत हो गया है ना, बाघ पाए जाते हैं, तो आपका अचानक कमार है। ठीक है, इसके बाद है भोरमदेव वन्य जीव जो अभ्यारण्य है कौन से अभ्यारण्य में दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि कौन से सन में इसको दर्जा प्रदान किया गया है अभ्यारण्य, कौन सा, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को 2001। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 2001 में भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य को किया गया, ये कहाँ है आपको, कवर्धा जिले में। ठीक है,
जो शक्कर का उत्पादन है कारखाना, ठीक है। इसके बाद है किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं, तो आप सभी को मालूम है बारन व पारा में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं, जो यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है ना सिरपुर में प्रसिद्ध है। सिरपुर में प्रसिद्ध कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है आपका, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, वहाँ पर लक्ष्मण झूला भी स्थित है, तो बताइएगा वहीं आसपास होता है बारन व पारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन सा अभ्यारण्य में मैकल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आप सभी को मालूम है अचानक कमार है जो मैकल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है अचानक कमार, ठीक है। अब राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, राज्य में वन संरक्षण कब लागू किया था, आप सभी को मालूम है 1973 है ना, इसको याद कर लीजिएगा, या फिर जिनको बिल्कुल याद नहीं है एक बार वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, कभी भी अगर एग्ज़ाम दिलाते हैं या एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं तो एक बार वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ एक और बात कहना चाहूँगा कि जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। हाँ ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की क्लास ही है, ठीक है, इसमें आपको वन्य जीव अभ्यारण्य वो करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ हॉस्टल वार्डन की जो कंप्यूटर की क्लास है वो कल से आने वाली है, ठीक है, कल से बिल्कुल क्लास कराया जाएगा कंप्यूटर का, टोटल 50-50 MCQ कराया जाएगा, पूरा वीडियो देख लेना, उसमें टोटल 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है हॉस्टल वार्डन में, ठीक है। हाँ बिल्कुल 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर का, हाँ इसमें ध्यान दीजिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ की क्लास चल रही है PSC और व्यापम की, ठीक है, PSC और व्यापम की क्लास चल रही है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान लगाइएगा, पढ़िएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते जाइएगा। राज्य में वन निगम का गठन हुआ था कौन से, 2010 में आया है CMO में आया था, जो राज्य यानी कि वन निगम हुआ था आपका 2001 में हुआ था, आप सभी को मालूम है, लेकिन इसको पूछा गया 22 मई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आंसर सी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण कौन सा है, तो आप सभी को मालूम है, फटाक से आंसर दे चुके हैं, बादल खोल, ठीक है, जो सबसे छोटा अभ्यारण है बादल खोल है, और सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए, सबसे बड़ा वाला अभ्यारण कौन सा है जल्दी से बताइएगा, क्या आएगा, दो तीन लोगों का आंसर आ रहा है, तमोर पिंगला, कितना वर्ग किलोमीटर है, 608 वर्ग किलोमीटर है तमोर पिंगला, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण है, ठीक है, और सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है, बादल खोल, कितना वर्ग किलोमीटर है जल्दी से बताइएगा, आंसर डी आएगा, बादल खोल 105 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 105 वर्ग किलोमीटर बादल खोल, और तमोर पिंगला का 608 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 608 ये आपका 1978 में आ जाएगा, ठीक है, 1978 में सन में, तो आप सभी के लिए एक और क्वेश्चन है, बादल खोल का मैं बता दिया हूँ, तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण है, साथ ही 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप बताइएगा कौन से सन में ये स्थापित किया गया था, कौन से सन में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, बादल खोल है कौन से सन में स्थापित किया गया था सबसे छोटा अभ्यारण को, हाँ बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या आएगा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है, किसने कमेंट किया है, बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कांकेर घाटी, ये CGPSC 2014 में आया, जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ व्यापम और PSC में पूछे गए हैं। चलिए, बारन व पारा वन्य जीव अभ्यारण्य में किन वृक्षों की बहुलता है, तो जो बारन व पारा है वहाँ पर सागौन वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन सा, सागौन वृक्ष, ठीक है, आंसर डी होगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण कौन सा है, तो सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, अभुजमल, सेमरसोत, सायकोट या इनमें से कोई नहीं, तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण कौन सा है, क्या है जल्दी से बताइए, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आएगा, जो नवीन अभ्यारण है हाल ही में नवीन अभ्यारण बनाया गया है कौन सा है जल्दी से कमेंट करें। देखिए यहाँ पर मैसेज में कमेंट ना करें तो ही अच्छा होगा, है ना, डिस्टर्ब होगा पढ़ाई में, जल्दी बताइएगा सबसे, हाँ छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण कौन सा है,
और क्वेश्चन है सबसे प्राचीन अभयारण्य कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया गया है? क्या आएगा? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये पहाड़ी है ना, पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। किस वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान शीतलता रहती है? तो ये आप सभी को मालूम होगा, बादल खोल है जो सबसे ज़्यादा शीतलता प्रदान करती है। भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य वन भैंसों का जो संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था 1983 में, ये बिल्कुल सही है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1983, जो वन्य जीव है जो वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। किस अभयारण्य से होकर बालामदेही नामक नदी प्रवाहित होती है? तो ये आपको 12वां पारा हो जाएगा, आंसर सी। कौन सा अभयारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? ये बिल्कुल IMP क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये वाला, हाँ, हिरण के लिए 12वां पारा ही आएगा ना, बिल्कुल सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है? तो ये आपका बाघ के लिए, बारहसिंघा के लिए, जंगली भैंसा के लिए, तीनों के लिए, यानी कि सभी आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है आपका दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद कानन पेंडारी, आप सभी को फर्स्ट ही में बताया था, जो कानन पेंडारी है बिलासपुर, तो मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? तो वह आप सभी को बताया था मैं, बिलासपुर जिला में स्थित है, बिलासपुर में, नोट कर लीजिएगा, बिलासपुर में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? ये आपका बीजापुर में है, ठीक है, बीजापुर में, ये 16 में आया है PSC में। अब देखिए वर्ष 2011 में राज्य सरकार किन किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया गया था? आप सभी को मालूम है सरगुजा और जसपुर जो है, बिल्कुल सही है, ठीक है, हाथी रिजर्व के लिए गठित किया गया था। राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी वो कहाँ स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है गेम सेंचुरी, वो आपका वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान, आप सभी को मालूम है सर्प केंद्र के ज्ञान की स्थापना कहाँ हुई थी? जसपुर में, जसपुर, ठीक है, जसपुर में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार मैसेज नहीं करे तो ठीक रहेगा, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य यानी कि माड़िया तथा मुड़िया, ये मुहिया नहीं है ना, मुड़िया है, माड़िया तथा मुड़िया जनजाति का निवास है? तो आप सभी बता रहे हैं आंसर सी आ रहा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य ईब एवं डोंकी नदियों का जलमार्ग है? तो आप सभी को मालूम है आंसर डी है, बादल खोल। इसके बाद है सेंडर नदी राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? ये आपका सेमरसोत, और सेमरसोत कहाँ है आपका? बलरामपुर, ठीक है। अब देखिए तातापानी, ये तातापानी नामक गर्म जल का स्थान है कौन से अभयारण्य के नज़दीक में है? तो सेमरसोत, सेमरसोत कहाँ है? बलरामपुर, बलरामपुर में तातापानी प्रसिद्ध है, गर्म जल का फुहारा बोला जाता है। तो आप सब बताइए गर्म जल का फुहारा किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्रश्न, गर्म जल का फुहारा, गर्म जल का फुहारा किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। देवी झिरिया का मंदिर आप सभी को मतलब है तमोर पिंगला में है, कहाँ है? तमोर पिंगला में, तमोर पिंगला में, ठीक है, तमोर पिंगला में देवी झिरिया का मंदिर। इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्य जीव से अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है? भैरमगढ़, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका भैरमगढ़ आएगा, ठीक है, आंसर ए होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 16 में आया है, हाँ। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभयारण्य कितनी है? छत्तीसगढ़ में 11, बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर 11 आया है बिल्कुल सही जा रहे हैं, वन्य जीव अभयारण्य है छत्तीसगढ़ में 11 टोटल। अब सभी के लिए देखिए प्रश्न, एक प्रश्न और आप सभी के लिए, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन दे रहा हूँ, 2, 3,
5। जल्दी से बताइएगा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीय उद्यान संख्या 2 है, 3 है या 5 है, क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, जितने लोगों का आंसर 3 आ रहा है बिल्कुल सही है। वन भैंसा का घर किस राष्ट्रीय उद्यान में। इंद्रावती, बिल्कुल सही है। अचानक कमार वन्य जीव अभ्यारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, तो आप सभी बताएंगे 2005 में, 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। और छत्तीसगढ़ का लेमरू आप जान लीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ का लेमरू क्षेत्र एलिफेंट यानी कि हाथी के लिए मान्यता दी गई है। देखिए कोरबा बहुत लोग आंसर ऐसे ही बता चुके हैं, कोरबा। अचानक कमार वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो ये 1975 में, ठीक है 1975 में घोषित किया गया है। कब अचानक कमार वन्य जीव अभ्यारण्य में लुप्त यानी कि गायब प्राय माउस डियर देखा जाता है, तो ये आपका 2008 में अप्रैल में देखा गया था। अब भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी गई है, तो ये आपका आ जाएगा बादल खोल को और तमोर पिंगला को, ठीक है तमोर पिंगला को दिया गया है, ठीक है आंसर कौन सा हो जाएगा बी बादल खोल और तमोर पिंगला। अब देखते हैं राज्य की कौन सी प्रजाति है जो संकट ग्रस्त है, तो बाघ है, वन भैंसा है, काला हिरण, तीनों ही है, बिल्कुल सही आंसर है। कौन राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व यानी कि पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था, तो आप सभी को मालूम है गुरु घासीदास यानी कि गुरु है जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था, ठीक है। राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्वर्ण कुत्ते मुख्य रूप से पाया जाता है, तो स्वर्ण कुत्ता है जो उद्यंती अभ्यारण्य में पाया जाता है, ठीक है उद्यंती अभ्यारण्य आंसर सी। सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, सीता नदी, सबसे प्राचीन नदी सीता नदी है, ठीक है। और सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है, जल्दी से बताइएगा सबसे नवीनतम। पामेड़ के अतिरिक्त किस वन्य जीव अभ्यारण्य में वन भैंसों को संरक्षण किया गया था, ये भैरमगढ़ आएगा, पहला क्वेश्चन देखे थे। राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा गौर है जो वारण व पारा, यहाँ पर हिरण भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, सॉरी हिरण बोलता हूँ एक मिनट ना, वारण व पारा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, गौर। उसके बाद बंदर, बंदर भी पाए जाते हैं वारण व पारा में बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए तुरतुरिया नामक ऐतिहासिक स्थल किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, तुरतुरिया ये भी कहाँ है, तुरतुरिया बारण व पारा जिले में, ठीक है बारण व पारा। अब आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है पूछा गया है, तो भोरमदेव, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकर घाटी, गुरु घासीदास, क्या आएगा भोरमदेव, बिल्कुल सही है जो कि राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये क्या है एक अभ्यारण है, ठीक है एक अभ्यारण है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, देवधारा नामक जलप्रपात किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर ए आ चुका है बारण व पारा। देवधारा नामक जो जलप्रपात है बारण व पारा जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। और आप सभी के लिए प्रश्न है ये वाले 51 का क्वेश्चन, आप सभी जल्दी कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोंड तथा उड़िया जनजातियों का निवास है, आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आऊँ, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, इसका कमेंट आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिए गए हैं वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी का और भी वीडियो देखने के लिए पीएससी एग्जाम या फिर व्यापम की तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल। हाँ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए। ओके थैंक यू, क्या आएगा इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है होमवर्क है आप सभी के लिए, होमवर्क है क्या आएगा, ये जो गोंड जनजाति है उड़िया, होमवर्क है क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। हाँ क्या रहा आंसर, चलिए आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या आएगा। ओके।